नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसाइडर्स। खबर मोतिहारी से आई है, जहां ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए, खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक मेले का आयोजन किया गया और इस मेले का उद्घाटन मोतिहारी के डीएम शिशत कपिल अशोक ने किया है। आपको बताएं कि इस मौके पर उन्होंने कई तरह की बातें कही। आप जिला अधिकारी को सुनिए कि उनका इस विषय में क्या कुछ कहना है। पूर्वी चंपारण में खादी मेला का यहाँ आयोजन किया गया है। इसमें जो आप देख रहे हैं कि जो स्टॉल्स हैं कारागिरों के, जो बिहार के कारागिर अलग अलग जिलों से आए हैं, जो खादी में व्यवसाय करते हैं, उनको जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। खादी के अलावा जो ग्रामोद्योग है, जैसे कि हनी है, अगरबत्ती है, आप देख रहे होंगे कि कुछ ये कालीन वगैरह भी जो है, ये प्रोडक्ट्स भी जो है यहाँ पर सेल में रखे हुए हैं। मैं आमंत्रित करूंगा सभी मेरे पूर्वी चंपारण वासियों को, क्योंकि ये कारागिर जो है अपने लोकल कारागिर है, बहुत मेहनत से जो है ये लोग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और काफ़ी सस्ते दाम पे भी यहाँ पे वो बेच रहे हैं, तो ज़रूर इसका लाभ उठाए। और जो कारागिर हमारे काम कर रहे हैं, उनके उन्नति के लिए जो अपने स्तर से जो मदद हो सकती है, वो भी वो यहाँ पर कर सकते हैं, ताकि यहाँ उनकी इकोनॉमी जैसे रन होगी, निश्चित जो है जो हैंडीक्राफ्ट्स है या जो खादी ग्रामोद्योग है, इसको भी बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। तो आपने मोतिहारी के डीएम शिशत कपिल अशोक को सुना, जिन्होंने बताया कि इस मेले में और बिहार के अलग अलग जिलों से आए कारीगर अपने वस्त्रों का और जो खादी वस्त्र हैं और साथ ही कई तरह के हैंडीक्राफ्ट का भी ये प्रदर्शनी लगाया है। इस मेले में कई तरह के स्टॉल भी लगाए गए हैं। आपको बताएं कि मोतिहारी के नगर भवन खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के तत्वाधान में आयोजित खादी मेला प्रदर्शनी का उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया है, और जिसमें आपको बताएं कि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना के सौजन्य से खादी मेला प्रदर्शनी का 100 स्टॉल यहाँ लगाया गया है, जिसमें खादी, हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट का स्टॉल लगाया गया है। इस मेला का मुख्य उद्देश्य खादी वस्तुओं और ग्रामोद्योग उत्पाद का प्रचार प्रसार एवं अधिक से अधिक बिक्री कराना है। वही मौके पर जिलाधिकारी शिशत कपिल अशोक ने भी बातें कही है और उन्होंने बताया कि इसके अलावा जो है अगरबत्ती भी का भी स्टॉल लगाया गया है, साथ ही खादी वस्त्रों का स्टॉल लगाया गया है, ताकि जो बिहार के कारीगर है उनका जो हुनर है वो लोगों के सामने आ सके। और आपको बताएं कि इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा खादी वस्त्र जो है वो बिक सके और कारीगर की जो हुनर है वो निकल के बाहर आए, लोगों तक इस विषय में जाए कि वो लोग जो बिहार के कारीगर है जो खादी वस्त्रों का निर्माण करते हैं, उनके जो हुनर है वो लोगों तक पहुंच सके। तो इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले अपने पास पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।